नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आरजेडी के अंदर चल रहे घमासान के बीच अब सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलने का मौका मिल गया है। जी हां, आरजेडी के अंदर जो कलह उत्पन्न हो रखी है उस पर लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच सुशील कुमार मोदी, जो कि लालू प्रसाद यादव के विरोधी हैं, लगातार लालू प्रसाद यादव का विरोध करते आ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया है। सुशील मोदी ने इस बार दोनों भाइयों के बीच पिता को घसीटा है। जी हां, लालू यादव पर हमला बोलते हुए सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। तो सुशील कुमार मोदी लिखते हैं, लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक जीवन में कभी भी मर्यादा अनुशासन का पालन नहीं किया, इसलिए आज उनकी पार्टी और परिवार में मर्यादा टूट रही है, बेटे उन्हीं की राह पर हैं। जी हां, इस ट्वीट के बाद आरजेडी नेताओं में गुस्सा देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा नाराज जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य काफ़ी नाराज है। आपको बता दें कि लालू यादव की यह बेटी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और सुशील कुमार मोदी पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। एक बार फिर से इस ट्वीट के बाद रोहिणी आचार्य भड़क गई हैं सुशील कुमार मोदी पर और उन्होंने हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया है। जी हाँ, ट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य लिखती है कि बेटे बाप की राह पर नहीं चलेंगे तो क्या पड़ोसियों की राह पर चलेंगे? लगता है इनके बेटे पड़ोसियों पर चले गए हैं, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है। जी हाँ, तो रोहिणी आचार्य ने सुशील कुमार मोदी को बड़ी बात कह दी है। अब देखने वाली बात होती है कि रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद सुशील कुमार मोदी की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट बहुत बड़ा है। जो बात कही है ट्वीट के अंदर वो बहुत बड़ी बात कहती नजर आई है, इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, तो सुशील कुमार मोदी पर एक बार फिर से लालू यादव की बेटी भड़की है और सुशील मोदी पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।